जनता में आक्रोश है अग्निवीर को लेके, किसानों को परेशानियों को लेके, सेलू ट्राइब की आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों में बड़ी गुस्सा है। देखिए आप ये समझिए कि बांग्लादेश की स्थिति कैसे हुई। ये जो कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है या जनता का मजाक उड़ाती, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। मैंने सरकार से कहा था और मैंने सरकार विपक्ष दोनों से उनकी राय पूछी थी। यहां भी रिजर्वेशन को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन जिस तरह सरकार ने और विपक्ष ने चुप्पी थाम रखी है तो ये लगता है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि जब जनहित के मुद्दों पर जो है सरकार विफल होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए बहुत बेरोजगारी है बांग्लादेश में, महंगाई ने वहां भी नुकसान पहुंचाया था और तमाम तरह से जो इंडस्ट्रियल ईयर सब चीजें ठप हो गया था, तो उसका खामियाजा जनता के विरोध के रूप में भुगतना पड़ा। ये बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं रहे हैं उनसे लंबे समय तक। हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका किसी तरह का नुकसान हमारे देश में ना हो और उस तरह की कोई आशंका या उस तरह की जो है कोई मूवमेंट हमारे देश में ना हो, तो विरोध को कुचलने के बजाय विरोध पर चर्चा करके उसको कम करने का काम करना चाहिए सरकार। अगर सरकार तानाशाही करेंगी तो जनता, देखिए हम करते क्या, हम दूसरे देशों से जब ये आजादी की लड़ाई चली तो बहुत सारे देशों ने अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए संघर्ष करना शुरू किया, उसका एक एहसास हमारे यहाँ भी था। तो जब कहीं से बढ़ावा मिलता है तो फिर जनता में आक्रोश पैदा होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो लोग बहुत शांतिप्रिय, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इस तरह की आशंका नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, कोई जिस तरह चाइना से हमसे लगातार चाइना हम पे हमला कर रहा है, जिस तरह चाइना हमारी जमीनों कर रहा है, तो कोई ऐसे विषय जिससे जनता में आक्रोश है, अग्निवीर को लेके, किसानों को परेशानियों को लेके, सेलू ट्राइब की आर्थिक स्थिति को लेकर लोगों में बड़ी गुस्सा है, तो सरकार को इनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती थोपना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए।